फ्रेंड्स, मैं सुमन श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज फिर आई हूँ एक नई अपकमिंग मूवी रिव्यू के साथ, और आज इस फिल्म के बारे में बात करने जा रही हूँ। इसका नाम है शहजादा। इस फिल्म में हमें लीड रोल में कार्तिक आर्यन और कृति शैनन जैसे एक्ट्रेस नजर आएंगे, और इन्हीं के साथ हम परेश रावल और बहुत टाइम बाद मनीषा कोइराला को भी इस फिल्म में देख पाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो फिल्म है ये एक्शन रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है, और इस फिल्म के अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो रोहित धवन का डायरेक्शन है, और प्रोडक्शन जो है वो एकता कपूर के बैनर बालाजी मोशन पिक्चर्स और भूषण कुमार के बैनर टी सीरीज फिल्म्स के तहत हो रहा है। और इस फिल्म की स्टार कास्ट काफ़ी अच्छी है। पहले ये फिल्म जो है फरवरी 4 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, बट प्रीपोन होके ये फिल्म जो है अब इसी साल नवंबर में 4 नवंबर को रिलीज हो रही है हमारे नज़दीकी थिएटर्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म्स की रीमेक बनाने का बड़ा ट्रेंड आ गया है बॉलीवुड में। लगता है जैसे बॉलीवुड में मेकर्स के पास कुछ कंटेंट ही नहीं है, कोई स्टोरी ही नहीं है बनाने के लिए। ट्रेंड सा बन गया है कि रीमेक बनाओ और अच्छा खासा कलेक्शन कर लो। फ्रेंड्स, उसी दौर में ये फिल्म भी जो है शहजादा, ये भी एक तमिल फिल्म की रीमेक है, जो कि अल्लाह अर्जुन की फिल्म अल्लाह वैकुंठ पुरमुल्लू की रीमेक है ये। फ्रेंड्स, इस फिल्म में जो है हमें आर्यन जो है वो एक गरीब प्रिंस के रोल में नजर आएंगे। एक्चुअली इस फिल्म की अगर स्टोरी की हम बात करें तो स्टोरी एक ऐसे पिता की है जो कि अपने बेटे को गरीबी की हालत में रह रहे हैं, बट चाहते हैं कि उनका बेटा एक मिलियनर लाइफ जिए, एक अमीरों के घर में उसकी लाइफ बीते। तो जब उनकी वाइफ को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनको पता चलता है कि उनका बेटा हुआ है, और साथ ही उनको ये भी पता चलता है कि उसी हॉस्पिटल में एक अच्छे वार्ड में उनकी मालिक का भी बेटा हुआ है। तो वो एक दिमाग चलाते हैं कि अपने बेटे को मिलियन लाइफ कैसे दें, तो वो अपने बेटे को अपने मालिक के बेटे से एक्सचेंज कर लेते हैं। बट वो जिस बेटे को अपने घर लाते हैं उस बेटे को वो उस तरह का प्यार नहीं देती, क्योंकि वो जानते हैं कि मतलब गरीबों की तरह उसे रखते हैं, कोई ख्वाहिशें पूरी ना, मतलब कोल्ड हार्टेड फादर का उन्होंने रोल प्ले किया है। और इस चीज़ से अनजान की जो बंटू है, जिनका रोल कार्तिक प्ले करेंगे, तो बंटू जो है वो बंटू इस बात से परेशान है कि उसके पिता उसको और माँ बाप की तरह और पिता की तरह क्यों नहीं प्यार करते हैं, बट सच्चाई ये कोई नहीं जानता। बट धीरे धीरे इस फिल्म के इंटरवल तक आते आते ये सच्चाई सबको पता चल जाती है, मतलब बंटू को पता चल जाती है कि उसके फादर ने उसे इस मिलियनर लड़के से एक्सचेंज कर रखा है। तो फ्रेंड्स, ये फिल्म जो है कुल मिला के अच्छी है, स्टोरी इसकी अच्छी है, वन टाइम वॉच मूवी है। बट देखा जाए तो ये जो फिल्म है अल्लाह वैकुंठपुरम, ये जो फिल्म है इसको कई लोगों ने पहले ही देख चुके हैं, और इसकी जो हिंदी डब है, हिंदी डबिंग जो है यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे नहीं लगता कि लोग पैसा लगा के वही सेम स्टोरी फिर देखने जाए। हाँ, बस ये है कि स्टार कास्ट इस फिल्म में अच्छी ली गई है शहजादा में, तो स्टार कास्ट अलग है, तो हो सकता है कि कृति शैनन और कार्तिक आर्यन के फैंस इस फिल्म को देखने थिएटर जरूर जाए। बट स्टोरी जो है वही हम सब ऑलरेडी ये स्टोरी देख चुके हैं, वो भी अल्लाह अर्जुन जैसे एक्टर्स की उसमें एक्टिंग में। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखेंगे, बट फिर भी देखते हैं कि इस फिल्म का क्या रेटिंग मिलती है, ऑडियंस इसको क्या रिस्पॉन्स देती है। ऑल ओवर फिल्म जो है ठीक ठाक है, अच्छी है, और एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि 4 नवंबर को ये फिल्म जो है वो रिलीज़ हो रही है हमारे नज़दीकी थिएटर में, तो आप 4 नवंबर को देख पाएंगे।